तो थोड़े दिन पहले मैं और मेरा फ्रेंड जब हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे थे माइनक्राफ्ट गेम के अंदर, तो हमने कुछ ये पाया। ये ब्रो ये क्या आ रहा है ऊपर? चोकोमो को 40 मिल गया हमारी वर्ल्ड में। व्हाट? अबे ये तो ट्रेन जैसा दिया और ये तो मकड़ी का पप्पा लग रहा है। ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या तूने उससे उधारी ली है? हाँ, छोड़ दे मेरे पीछा। अरे भाग, कोई सेफ जगह पे चल। ओह माय गॉश, इससे दूर जाना पड़ेगा हमको गाइस। भाई भाग, मैं तो भाग रहा हूँ भाई, मैं तेरे से दूर आ गया। अब चोकोमो को 40 को देखने के बाद हमारी फट गई, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम लोग हमारे लिए खुद को चोकोमो को से बचने के लिए एक बेहतर इंसान डिफेंस बेस बनाए, ताकि हम लोग चोकोमो को डिफीट कर पाए। वेलकम। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा भाग के दूर आ चुके हैं, तो इसके लिए हम लोग को अभी डिफेंस बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी आता ही होगा ब्रो। और याद रहे, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे, मेरे कहने का मतलब 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर जितने भी बेहतरीन हम डिफेंस बेस बना सकते हैं उतना बनाते हैं, क्योंकि चूचू चार्लेस चोकोमोको चार्लेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। भाई मेरे को ये बंदे पे भरोसा नहीं है भाई, मैं इसके साथ नहीं बनाने वाला हूँ। ए ब्रो, व्हाट डू मीन, हम दोनों साथ में डिफेंस बेस बनाएंगे, ठीक है? तू भाई नल्ला है, तू अभी जाके एक काम कर, तू मेरे भरोसे रहे, मेरे हाथ के नीचे काम कर, मजदूर बन, ठीक है? इसको लगता है अपन वो डील है। एक काम करते बिडू, फिर तू अपना बेस बना, मैं अपना बेस बनाता हूँ, देखते हैं कि इसका बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और चूचू चार्लेस किसकी बेस को जल्दी डिफीट कर पाएगा। ऑब्वियसली तेरे बेस को। ओके, तो चुचू चालीस, तो चुचू 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 चालीस को आने के लिए चुचू चुचू 30 मिनट्स बाकी, तो चुचू चुचू फटाफट से चुचू चुचू चालीस के लिए डिफेंस बेस बनाते हैं। चुचू चुचू, मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट इफ अगर हम लोग चुचू चालीस को हमारे डिफेंस बेस के अंदर घुसने ही ना दे। मस्त प्लान है, मतलब हम लोग उसको उल्लू बनाए। तुम देखो को, ये घोस्ट ब्लॉक है, अब तुमको पता है इस ब्लॉक का काम क्या है? ना, मैं बता दूं, बहुत जरूरी काम है इस ब्लॉक का। अच्छा इधर तो देख, मेरे हाथ में कौन सा ब्लॉक है, सी हियर। ये क्या है? कांच का ब्लॉक है, और क्या? This very invoice bro, क्या होने वाला है अभी? मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, तुम लोग देख सकते हो, एमरल्ड का घर बना रहा हूँ मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एमरल्ड के घर से चूचू चालीस से कैसे बचेगा? जानवी, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जानवी। अरे जानवी कौन है भाई? अरे कौन है ये जानवी भाई वैसे? दिस वीडियो इज वेरी सेंटीमेंटल टू हेल्थ गाइस, जस्ट लाइक दिस। इधर तुझको एक मैजिक दिखाऊंगा, इधर कम। What happened? No, I am very busy. तुझे क्या लगता है? मैं तेरे को टीपी नहीं कर सकता हूँ। भाई मेरे घर में बंदर घुस गए। अरे अभी जाओ जल्दी हालो की चटनी में हाथ डालो, तुमको केले मिलेंगे। अरे वो खाने वाले। इतना भी सच नहीं बोलना था। एंड यस, लाइक टारगेट हम लोग ने एज यूजुअल लगाया 10,000 likes, प्लीज हो जाने चाहिए। ए यू सी हियर, सी माय मैजिक ब्रो, देखो ये कांच है ना, अब देख। ओ भाई ये तो स्टोन बनते जा रहे है। अरे स्टोन नहीं बन रहे, तू इनके आर पार जा सकता है। एक सेकेंड, चूचू चालीस यहाँ से आएगा, इसके तो आर पार निकल जाएगा, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ? अरे चूचू चालीस का दिमाग रहेगा तो ना, उसके पास दिमाग ही नहीं, उसको लगेगा ये वॉल है तो वो आएगा ही नहीं यहाँ पे, वो दूसरे साइड से घुसने की कोशिश करेगा। बात तो सही है। बता कैसा तेको ये मेरी टेक्नोलॉजी कैसी लगी? जस्ट रेट ही 10 out of 10। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं इसको रद्दी पर भी थोड़ा सा भी रेट नहीं देने वाला हूँ यार। क्या भंगार बकवास बना के रख गया, ये मार्केट में चलने वाला नहीं है, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई, एडिडास थोड़े ना बोलेगा कि पूमा अच्छा है। अबे तू एडिडास नहीं, तू अभी बाहर से समझा क्या? तू तो देवदास से। ये देखो ये क्या है, नहीं बड़ी मीना, मैं ऐसे दीवार के आर पार जा सकता हूँ यार 2-2 मिनट के अंदर अंदर। ये बंदा बनाना क्या जा रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। चल अच्छा मान लिया, चल घुस भी गया, चल तेरी अगर प्रेडिक्शन हम लोग सही मान रहे, समझ वो आया यहाँ से चुको 40 और आया दीवार के, मुझसे मेरी टेक्नोलॉजी को समझ लिया और डायरेक्टली अंदर आ गया, तो इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। तुमको पता है मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 2 करोड़ के पाकिस्तान से इम्पोर्ट किए गए माइंस। हाँ ब्रो, वो माइंस मतलब जो हमारी होती है, वो माइंड लिखते ना सब लोग। वाह गाइस, इसके लिए तालियां हो जाए ब्रो। बट उसका मेरे को ज्यादा पता नहीं, क्योंकि किसी ने मेरे को लिखा नहीं है ना। टूटा हुआ सांस हूं मैं। तो गाइस तुमको पता है ये माइंड कितना जानलेवा है? ये देखो, अब इसको डुक्कर पे एक्सपेरिमेंट कर। अरे डुक्कर 2 मिनट रुक, अब देखो भाई डुक्कर मर गया। मां कसम कह रहा हूं ब्रो, ये है डिफेंस। ये अंबानी का घर भी पता चलना चाहिए ना कि मैं कितना अमीर हूं। भाई साहब इस घर में माइंड लगाओ यार थोड़ा, और ऐसे माइन पे जाओ और ऐसे फोड़। ये क्या कर दिया? ऐसे इधर जाओ, फिर ऐसे माइन में आओ और ऐसे फोड़ दो।
बड़ी मीन हाँ, ये घटिया सा घर बनाया और तू बोलता है ये डिफेंस बेस है। हाँ का इसका घर कहाँ पे, इसका घर कहाँ पे? रो बहुत सारे वायर है। नहीं मौत का मतलब मौत से मुझे जाने दे। क्या पागल है यार, क्या पागल है तू। मजा आ गया। एक बात बता, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे। तो तोड़ने की जरूरत थी देखो भाई। अभी कोई किसी का नहीं तोड़ेगा भाई, अभी कोई किसी का नहीं तोड़ेगा प्लीज। हाँ कोई किसी का नहीं तोड़ेगा भाई, तोड़ेगा तो अंडी बंडी अंडी बंडी संडी। नहीं कोई नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ा तो अंडी बंडी। नहीं कोई नहीं तोड़ेगा, मैंने बोल दिया कोई नहीं तोड़ेगा। ओह ये तो सैंड का ब्लॉक है ब्रो। इधर आ, कम यार, I'll show you something magic. इसके अंदर जाना। अबे ये क्या है? ये? अरे भाई मैं दलदल के अंदर फंसते जा रहा हूँ। ये देखो मैं कितनी नीचे जाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो अब तू सोच मैं अभी कैसा डिफेंस बेस बनाने वाला हूँ। फालतू का जली ना। देखो अभिषेक का बेस बहुत पसंद है। ये मैं फेक सैंड लगाने का काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं फेक चीजें क्यों करता हूँ यार। Why bro? I'm not fake यार। Wait, guys, मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। ये टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली हमारे बाजू वाले मुल्कों को। अगर गलती से भी यहाँ पे चोको मोको चार्ली फंसता है ना, तो क्या होगा तुमको पता है? वो डायरेक्टली पेट्रोल के नीचे चले जाएगा, मतलब भाई वो कम्प्लीट ही नहीं कर पाएगा। देखो अगर ये मेरा ओपोनेंट इतना अच्छा चीज बना रहा है, देखा इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ओपोनेंट टीम अच्छा बना रहा है, मतलब मैं अच्छा बना रहा हूँ, आई नो। तो अभी मैं एक खतरनाक चीज इस्तेमाल करूंगा जो कि है टॉक्सिक बकेट। इसके अंदर है एसिड, ये देखो। ओ भाई तुम लोग देख सकते हो ये है एसिड भाई, कितना खतरनाक है ये। शायद हमारे पास सिर्फ 12 मिनट बाकी है गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक गाइस तुम लोग एक चीज गौर कर रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी यूज करी पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब लाइक लो लेवल की टेक्नोलॉजी, और मेरी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर माइंड है, उसके अंदर इनविजिबल ब्लॉक्स है, उसके अंदर फेक सैंड्स हैं। व्हाट इफ अगर मैं फैन को ऐसे लगाऊं? तुमको पता है ये चलने वाले फैन है, honestly? इसको मैराथन में भागा फिर। कोई सेंस है इस बात की? भाई फैन लगाता तो एक ही लगाता है, इतने सारे क्यों लगाए तूने? ओ क्या ना ब्रो, तेरा वजन और चोचे 40 का वजन दोनों का सेम है, तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना यार। तो भी मैं आराम से यहाँ पे आ सकता हूँ, ये देखो। Are you sure? दुश्मन कैसे अंदर घुस सकता है यार, मतलब इतने विंड काफी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डबल लेयर फैंस लगा रहा हूँ। What if अगर इसमें भी चूचू 40 पीछे नहीं जा पाया, तो एक काम करते हैं तीसरी लेयर भी लगा देते हैं हम। ब्रो माँ कसम भाई, भाई मैं कितनी हवा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तुम देख रहे हो? लाइक तीन लेयर मैंने लगाया आलोक इस बार। अब तू जरा घुस कर दिखा क्या इससे क्या ही होएगा। ओ मतलब मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? अरे मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? What? तो सच में नहीं घुस पा रहा है। 2 hours later. गैस तुम लोग एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये टाउन हॉल है बराबर, अब हर एक टाउन हॉल के अंदर लाइक मेरे टाउन हॉल के अंदर भी और आलोक के टाउन हॉल के अंदर भी एक नकली स्टीव होगा, जैसे कि ये रहा, दिखा तुमको ये स्टीव। ये है मेरे डिफेंस बेस की जान जिसे हमें बचाना है चूचू चार्ल से। एग्जैक्टली, और अगर चूचू चार्ल ने अंदर वाले बंदे को मार दिया तो इसका मतलब यानी कि अगर आलोक के स्टीव को मार दिया तो आलोक का डिफेंस बेस हार गया। ये है मेरे पिस्टन टेक्नोलॉजी। What the heck? मैं हर जगह स्पाइक्स लगाऊंगा ताकि जब चूचू चाल लिया है ये सभी स्पाइक्स उसके शरीर में। भाई मेरा डिफेंस बेस क्या कूल लग रहा है यार। इधर आ, ये देखो मेरा कितना खतरनाक दिमाग है, जैसे कोई यहाँ पे आएगा उसको पिलेजर्स क्या मारेंगे भाई। वाओ गाइस, अनाथ आश्रम में पिलेजर्स भी ज्वाइन कर ले, वैसे भी अनाथी हैं। एक नहीं लग रहा है वो खुद में मारामारी कर रहे हैं लोग। लॉल हो गया लोग की, ये तो नूब निकला। तो कैसे लग रहा है आलोक आपकी लाल होते हुए? भाई ये क्या बात है, नहीं मारेंगे भाई, मेरे को भरोसा है उनपे। अभी इनको कबाड़ियों की तरह मैंने भर दिया, ये देखो भिखारी भूखे नंगे जैसे काम चोर लोग। इनको लग रहा है इन लोग हाथ में तीर ले लेंगे तो इन लोग कोठी बंगले वाले लगेंगे, पर इन लोग जेल के अंदर, इनको पता नहीं ये सब। कुछ लोगों को लग रहा है वो लॉर्ड पुनीत को कॉपी करके उन लोग बादशाह बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो लॉर्ड पुनीत नहीं बल्कि वो आलोक मिश्रा ही रहेंगे। मेरा बेस रेडी है ब्रो, आई एम फुल सेट, दिस इज माय कंप्लीट माइनक्राफ्ट डिफेंस बेस फॉर वन एंड ओनली, क्या नाम है यार उसका, चोको मोको चार्ली। तो फाइनली मेरा डिफेंस बेस यहां पे रेडी हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल वॉर, क्योंकि वैसे भी टाइम एंड हो चुका है हमारा। लेट्स गो।
माय गुडनेस। और ये फाइनली आ चुका है मेरे डिफेंस बेस के इधर। ओ भाई ओ, ये तो रफ्तार में भाग रहा है, देखते बम फटता है। ओ फट जा फट जा। व्हाट, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं निकला भाई? हुसैन बोल्टे के भाई, इसको मेरे बम का थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ भाई साहब। ये पूरी जगह फट गई बट एरगो उसकी हेल्थ बार वैसी की वैसी रही। भाई ये मेरी नाक कटा देगा भाई। भाई इसको डैमेज पड़ा। ओ तीर मारो बहन के टक्के को, मारो तीर। ये तो अटक गया, ये कैसे? ओ नहीं नहीं नहीं, ये चल रहा है। कम ऑन। भले इसको टीएनटी का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ बट प्लेजर का भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है। ओ क्या ये अभी प्लेजर्स को मारेगा? प्लेजर्स बाहर आ गए, चूचू चाली ने तोड़ दिया। क्या मतलब चूचू चाली फेंस में अटक गया? ओ भाई इसकी तो अभी अटक गई भाई, अभी ये निकल नहीं पाएगा। ये वैसे ही जैसे जिप में। उसका हेल्थ देखो। वाओ, जाएगा मरेगा भाई वो अभी। मेरे पे क्या एम कर रहा है भाई? उस पे एम कर। ये धीरे धीरे जा रहा है और इसको आग लग गई। वाओ मेरे भाई, मेरा डिफेंस काम कर दिया भाई, इसको बहुत मजबूत आग लग गई है। चू नहीं, चूचू टाउनल, चूचू टाउनल तोड़ दे भाई। ये टाउनल तक जा रहा है। एंड वॉट भाई, इसको डैमेज नहीं पड़ रही, इसको डैमेज दो। अरे मच्छी हो, डैमेज दो यार। भाई ये पहुंच गया मेरे टाउन हॉल पे। ओ ब्रो पफर फिश के साथ ये लड़ाई करने बैठ गया। उसका हेल्थ देख भाई, क्या खतरनाक जा रहा है। नहीं पफर फिश से लड़ाई मत कर, टाउन हॉल तोड़। ए वेट, टाउन हॉल के अंदर का एंटिटी कहां गया? व्हाट भाई मर गया वो? भाई मर गया इतनी जल्दी? बट इसे दीवार कब तोड़ा? पर भाई तुम लोग उसका हेल्थ देख सकते हो, अभी भी हेल्थ जाते जा रहा है और ये अभी खत्म ही होने वाला है जस्ट। ओ नहीं प्लीज टाउन हॉल खत्म। मेरे को तो समझा ही नहीं इस वाले में हुआ क्या। हरा दिया। बड़ा भी बाकी है, वन एंड ओनली फैंटन गेमिंग का बेस। ओके ओ भाई, ये चूचू चोली तो आ रहा है पर ये हवे से अंदर नहीं आ पा रहा है। यस गाइस, मेरा पैदल काम कर रहा है। ये देखो वो उधर जाने की कोशिश कर रहा है बट एक्चुअल में इसको हवा रोक दे रही है। मैं तेरी तारीफ क्यों कर रहा हूँ भाई? अरे तीन लेयर वाले, अरे कितना होशियार है वो। अरे मंद बुद्धि, इतनी सारी जगह ओपन है, तू कहीं से भी अंदर घुस सकता है। भाई इसका अभी हंसते हुए मुंह अभी उदास बन जाएगा भाई। चढ़ गया अंदर। व्हाट? एंड यस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज सब बेस फट गया, सब प्लान खराब हो गए मेरे थोड़ा। तो इसी के साथ इस चोकोमोको वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। याद है ना इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा था, जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अगर आपको मेरी भाने पे जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। चलते हैं।